हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी अप्रियत रामगढ़िया। सो कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो गाइस, अपने इस चैनल पे डेली आप चैलेंजेस आने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो पहला चैलेंज है अपना, वो है अपना कि मैं अपने सिस्टर का मेकओवर करना चाह रहा हूँ। उसको लग रहा है कि मैं उसका कुछ अच्छा मेकओवर करूँगा, पर मैं उसका जो हाल करने वाला हूँ वो आप ज़रूर देखना का वीडियो में कंटिन्यू रह के। शायद कुछ भयानक ही बना दूँ, मगर मैं कोशिश तो करूँगा ठीक ठाक हो, मेरे को इतना आता नहीं है। सो गाइस, वीडियो में कंटिन्यू रहना। चलो तो गाइज अपने इस चैलेंज को शुरू करते हैं। तो अपना आज का जो चैलेंज है, मुझे इसका मेकओवर करना है। तो मेकओवर के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेकओवर करते कैसे हैं। इसने मुझे सामान उठा के दे दिया है, अपना जो इसका मेकअप बॉक्स था उसका निकाल के इसने बॉक्सों में ऐसे उजाड़ के दे दिया मुझे, ताकि मुझे कुछ भी मिले ना और मैं इसका मेकअप सही से कर ना पाऊँ और मैं ये चैलेंज हार जाऊँ। मगर मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा आज। सो लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, पहला मुझे अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है इसमें। सो आई थिंक मेकअप में स्टार्टिंग जो अपना करते हैं वो शायद प्राइमर से होता है। ये अपना ब्लू ब्लू हेवन का प्राइमर है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसका वन डॉट आपको लेना है, बस एक बूंद की कीमत। सो गाइस, हमने इसका प्राइमर लगा दिया। सो गाइस, अपना सेकंड प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट के लिए मेरे को जैसे ही दिख रहा है, इसने दो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखे हैं ताकि मैं सेकंड लेयर में कंफ्यूज हो जाऊँ। सो बेसिकली गाइस, जो अपना ये फर्स्ट प्रोडक्ट इसने रखा है वो आपका है मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन। चलो फाउंडेशन का तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। और आपका इसमें जो सेकंड प्रोडक्ट रखा है वो आपका है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम। सीसी क्रीम का रिगार्डिंग मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इसे रख देता हूँ। सो जो मुझे पता है फाउंडेशन का, मैं वो यूज करूँ। सो गाइस, मैंने फाउंडेशन ले लिया, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही ले लिया मुझे लग रहा है, बट ठीक है, अपने को क्या जाता है। सो गाइस, इसकी अब ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यूज करना चाहूंगा ये स्पंज जो कि इसमें अंदर रखा हुआ है। टैप टैप से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे पूरी तरीके से। सो गाइज, अपना फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। सो गाइज, चलते अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। तो अपना जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो मुझे वैसे पता नहीं है कि थर्ड प्रोडक्ट होता क्या है, थर्ड लेयर में होता क्या। आई थिंक थर्ड लेयर में यूज होता है अपना कंसीलर। सो गाइस, कंसीलर इसको मैंने लगा दिया, अभी इसे ब्लेंड करने का टाइम है। सो ब्लेंड मैं इसी से कर देता हूँ। सो गाइस, जो अपना ये कंसीलर है वो पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। सो गाइस, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर, जो मर्जी बोल लो, खोलता कहाँ से है, ताले की चाबी भी होती है इसमें। सो खुल चुका है, तो अब इसे लगाते हैं। सो गाइस, अपने ये फेस पाउडर लग चुका है। सो अपना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आई थिंक आई पे, जो आई होता है हमारा, आई मेकअप पे हम आ चुके हैं। अब देखते हैं आई मेकअप स्टार्टिंग कैसे करते हैं, मुझे आता कोई नहीं।
अपना जो फर्स्ट होता है आई शेडो होता है अपना, तो आई शेडो में ये रहे अपने कलर्स, और आई शेडो का ब्रश ढूंढना पड़ेगा हमें। ये रहा अपना आई शेडो का कवर खोलो, और सो इसमें ब्लू कलर पहन रखा तो मैं ब्लू कलर ही इसके आई शेडो का करता हूँ। सो गाइस अपना ये आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है। सो आई शेडो के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो अपना आई लाइनर आता है। सो मूव ऑन टू आई लाइनर। सो जैसे कि मेरे सामने ही पड़ा आई लाइनर, ब्लू हेवन का आई लाइनर है, और आता मुझे लगाना बिल्कुल भी नहीं। आंखें बंद कर लीजिए। सो गाइस इसका आईलाइनर कंप्लीट हो चुका है। जैसे शुरू करना खाबी ये लग रही है तो ऐसी ही रहेगी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा है ना। एक दो यूं करो ये नव बस हो गया। करो ना, कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। गाइस मस्कारा से पहले क्योंकि वो सूखा नहीं है तो ब्लशर लगा लेते हैं। ब्लशर के लिए हमें चाहिए होगा ये, और ये रहे कलर। अपना ब्लशर इसको लग चुका है। सो अपना जो रह रहा था मस्कारा हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस इसका मस्कारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपना काजल है। काजल मुझे लगाना आता नहीं है और इसकी आंखें फोड़ के रहेंगे। सो हियर इज द काजल। सो अपना मस्कारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू लास्ट लिपस्टिक। आज इसका कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। थोड़ा आप खुद ही कर लीजिए कोशिश। सो लास्ट स्टेप आई लाइनर, उसके बाद अपना फिक्सअप। सो गाइस मूव ऑन टू आई लाइनर। तो अपना आई लाइनर ये रहा। तो सो गाइस अपना ब्रश कहाँ पे है, ये रहा अपना ब्रश। सो अब इसे हाईलाइट कर देते हैं, इसके चेहरे को चमकदार बना देते हैं बिल्कुल। सो गाइज ये अपना फिक्सर है। सो गाइज अपना ये मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं पता ये कैसी लग रही है, कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही है। आप अभी देख नहीं सकते हैं, पहले उनको दिखाया जाएगा। सो मैं यहाँ से हटता हूँ, आपको इसका फेस जूम करता हूँ और पहले आप देखिए फिर इसका दिखाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, हाथ हटाओ, इधर देखिए। सो इसका ये मेकअप मैंने किया है।
देख इधर कर मुंडी, ये इतनी भयानक सिर्फ मेरी वजह से दिख रही है, अब जरा आप खुद देखिए। इतना भी भयानक कोई मैंने इसका मेकअप नहीं किया है, ठीक ठाक लग रही है ये, ज्यादा ही नखरे करती है। सो गाइस चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए डेली ऐसे ही ब्लॉग आने वाले हैं अब, सो चैनल के साथ कंटिन्यू रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना और कमेंट भी जरूर करना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज में, जो कि आने वाला है आज या कल में आ जाएगा। सो गाइस चलो नेक्स्ट चैलेंज में मिलते हैं अपने, बाय।